होतं निवांत आम्ही तिच्या उच्चामुळे इकडं आलोय ती शंभरचे पायपाच्या खाली का एवढा मोठा आहे दादा अडीच फुटे दोन ते अडीच फुटे दोस्तों यहाँ पे सब लोग जमा हो गए सांप निकलाई करके और सांप जो है वो बोल रहे हैं जहरीला सांप है अब देखेंगे कौन सा है दो अढ़ाई फीट है तो यहाँ पे पाइप है कुछ और यहाँ पे काम चालू है इनका और इसके नीचे सांप आए हे आपल्याला काढलं जमन का हो हो जमन तयार सही हाँ ऐसी जगह बैठी है जहाँ पे हाथ तो नहीं डाल सकते और थोड़ा कंजेस्टेड है सांप मिला क्योंकि वहाँ पे भी भागेगा ये पाइप का सपोर्ट लेके तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी ती टाकायचं लेपट त्या चेंबर आता इकडे आली एकदम सेफ तरीके से इसको पकड़ लिया है थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन अच्छा हुआ जल्दी मिल गया ये रसल वाइपर स्नेक है यानी कि चित्ती सांप मराठी में गोनस और कई जगह पर परट अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है लोग समझते हैं कि अजगर है करके लेकिन ये अजगर नहीं है अजगर जैसे दिखने वाला काफ़ी जहरीला सांप है दोस्तों रसल वाइपर जो हमारी चेन रहती है या फिर ट्रेन के डब्बे रहते हैं एक साथ जुड़े हुए सेम उसी की तरह काले धब्बों वाली इसके ऊपर डिज़ाइन रहती है उसके मुँह से लेके उसकी पूँछ तक और बहुत ही खूबसूरत है दिखने में सांप लेकिन जितना खूबसूरत है उतना ज़्यादा जहरीला है और ये बारिश के दिनों में इसके जो बच्चे हैं वो भी आपको दिखेंगे वो भी बाहर आते हैं ये सांप जो है अंडे नहीं बल्कि बच्चे देता है अभी इसको पैक कर लेंगे जल्दी से जल्दी और जब भी ये सांप आपको अगर गलती से कहीं पर भी काट लेता है तो आपको बिल्कुल भी हाथ को बांधना नहीं है कुछ लोग क्या करते हैं हाथ को या फिर अगर पैर को काटा है तो वहाँ पर क्या करते हैं पट्टी या कोई रस्सी बांध देते हैं लेकिन जब ये सांप काटता है तो याद रखें आपको रस्सी नहीं बांधनी है तो अभी इस सांप को पैक कर लेंगे वहाँ पर ऑलरेडी बैग सेट किया है ये सांप जो भी हम पकड़ते हैं इसके लिए कोई भी मंत्र वगैरह नहीं रहता या फिर किसी भी तरह की विद्या नहीं रहती है खाली एक टेक्निक रहता है और सांप पकड़ना एक कला है दोस्तों आपको लगेगा कि ये कोई मंत्र वगैरह पकड़ते हैं तो ये सारी अंधविश्वास है ध्यान रखो पास हो जाओ चलो 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 आप ना ब्रेक मत करो